पीजी वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। सो देखिए, आज हम बात करेंगे कुछ स्टूडेंट्स लाइफ से रिलेटेड कुछ थोड़ी बहुत समस्याएं जो हम लोग पढ़ते समय फेस करते हैं, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे मैंने हम क्यों बोला, क्योंकि हम भी तो स्टूडेंट लाइफ में ही हैं आपकी तरह, हमेशा सीखते और सिखाते रहना चाहिए। नहीं, देखिए, कम रोशनी में कभी ना पढ़ें। कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे मान लीजिए आप अपनी टेबल पर बैठे हैं, ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने टेबल लाइट जला ली, बाकी आपके रूम की सारी लाइट्स ऑफ हैं, है ना। तो उसमें क्या होगा, थोड़ी देर के बाद आपको अपने आप आलस आने लगेगा, है ना। तो ऐसा क्या ना करें कि जिससे आपको नींद आए। आप ऐसा करिए कि एक लाइट ऑन रखिए जिससे आपके रूम के चारों तरफ उजेला रहे। बेड पर लेट कर पढ़ने से बच्चे, बहुत लोग क्या करते हैं कि टेबल चेयर का यूज़ ना करके अपने बेड पर ही सब सेट कर लेते हैं। साइड में बुक्स भी रखी हैं, पिलो भी रखी है, चादर भी रखा है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, वो एक समय के बाद अपने आप आलस आ जाएगा, ठीक है। और फिर आपको पता ही नहीं चलेगा, आप सुबह उठेंगे कहेंगे अरे 4 बज गया, मैं तो पढ़ते पढ़ते ही सो गया या सो गई, है ना। तो उससे आपके टाइम वेस्ट होने के ज़्यादा चांसेस हैं। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, अत्यधिक खाने से हो सकता है नुकसान। देखिए, यदि आपको लेट नाइट स्टडी करनी है तो आप अपना भोजन जल्दी ही कर लीजिए और हल्का खाना खाएं, जैसे खिचड़ी है ना, दही से खा लीजिए आप। ऐसा चूज़ करिए खाना कि बहुत ज़्यादा हैवी ना हो, बहुत ज़्यादा मसाले वाला खाना ना हो, क्योंकि उससे भी आपको फिर नींद आने लगेगी, है ना। भरपूर मात्रा में पानी पीना जो है आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। क्या करिए, आप अपने पास कैन रख लीजिए, बॉटल रख लीजिए, और हाँ, जैसे बॉटल रख लिया, बॉटल ख़त्म हो गया आपका पानी उसमें, ठीक है, फिर आप उठ के जाएंगे, फिर से भर के लाएंगे, सो उस टाइम में भी आपको एक रिफ्रेशमेंट मिल जाएगा। सो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिया करिए। जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपको नींद आ रही है, तो आप क्या करिए, उठाइए बॉटल, पानी पी लीजिए, है ना, उससे आपको आराम मिलेगी। कहने का तात्पर्य ये है कि फिर नींद नहीं आएगी। जल्दी सोने और जल्दी उठने का रूटीन अपनाएं। देखिए, ये किसी हद तक सही भी है और गलत भी, मतलब मैं इसकी तरफ पूरी तरह आपसे नहीं कहूँगी कि जल्दी सो और भाई जल्दी उठो, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक समान हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, ऐसा एक कहावत है कि आप जल्दी उठेंगे तो स्वस्थ रहेंगे और आपका दिमाग शांत रहेगा। जबकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो रात में स्टडी करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि रात में शांति, और ये बात सच भी है, मैं भी इसी क्राइटेरिया में आती हूँ। सो अगर देखिए आप जल्दी उठ के सुबह पढ़ना प्रेफर करते हैं तो आप रात को जल्दी सो सकते हैं। अब जब आपको रात में ही सोना है तो आप सुबह जल्दी उठ के एक ये बहुत अच्छा तरीका है कि दोपहर में एक छोटी झपकी रखिएगा, आपको तरोताज़ा फील होगा। कहने का केवल आशय ये है कि यदि आप दोपहर में मान लीजिए 30 मिनट 40 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, कहने का तात्पर्य है कि आप सो लेते हैं अगर, ठीक है, तो जो बाकी का टाइम होगा आपका सो के उठने के बाद, यानी कि मान लीजिए 3 या 4 बजे के बाद से, सो वो एकदम मॉर्निंग की तरह हो जाएगा, एकदम आपको रिफ्रेशमेंट मिल जाएगी, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, रात के समय पढ़ने के लिए चुने अपना पसंदीदा विषय। कहने का यहाँ पे आशय ये है कि जैसे मान लीजिए आपको, पहली बात तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कि यदि आपको नींद आ रही है ना तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व करिए, है ना, या फिर आप कुछ ऐसी चीज़ें सॉल्व करिए जिसमें आपका माइंड यूज़ हो, मीन्स आपके माइंड को ये पता ही ना चले कि नींद भी आ रही है, ठीक। और उसके बाद में आप अपना फेवरेट सब्जेक्ट चूज करिए, आप कोई टेस्ट सीरीज लगाना शुरू कर दीजिए, ये कर सकते हैं आप, है ना। और देखिए, बोल बोल कर ज़्यादा लिख लिख कर पढ़ें, ऐसा भी आपको करने की ज़रूरत तब होती है। देखिए, जैसे मान लीजिए आपको सुबह उठना है, आपको बहुत आलस आ रहा है कि अब हम क्या करें क्या करें, सो आप तेज से बोलना शुरू करिए, जैसे कि कोई भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसको जो है मान लीजिए फोर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये नहीं कि मन में ही पढ़ लिया, उसको पूरा प्रॉपर बोलो, पुश एंड पुल इज कॉल्ड फोर्स, ऐसे करके मतलब प्रॉपर रीडिंग करिए, जिससे कि आप जब बोलेंगे ना तो आपकी जो नींद होगी वो अपने आप चली जाएगी, है ना। अब देखिए, अगर तब भी नींद आ रही है तो क्या करें, सब ये क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो देखिए, उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक्सरसाइज। क्या मैम, एक्सरसाइज आप अपने आप को फील अच्छा करवा सकते हैं, आपकी बॉडी हेल्दी वेल्दी रहेगी और साथ में आपकी जो नींद वाली दिक्कत है ना ये भी दूर हो जाएगी। जैसे आप सुबह उठेंगे, है ना, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि वज्रासन का अभ्यास करना चाहिए, है ना, उससे क्या होगी, नींद कम आएगी, आप ध्यान भी लगा सकते हैं, मेडिटेशन तो बहुत ज़रूरी है। मेरा मानना ये है कि आप मेडिटेशन ज़रूर करिए, मॉर्निंग के टाइम पर करिए या इवनिंग के टाइम पर करिए, बट मेडिटेशन करिए, उससे आपका माइंड एकदम शांत रहेगा। ज़रूरी नहीं है कि मेडिटेशन के लिए आपको कहीं शांत एरिया पार्क जाना पड़े या कुछ, आपके घर पर नॉर्मली ऊपर छत है, ठीक है, आप वहाँ
बैठ के भी मेडिटेशन कर सकते हैं, या बालकनी में, या आपका आपके घर में कोई ना कोई तो शांत एरिया होगा, या आप मंदिर में भी बैठ के इनफैक्ट मेडिटेशन कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ तो आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। नींद आने पर चाय कॉफ़ी पी सकते हैं, और ये भी एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है कि आप चाय पी सकते हैं तो आपको एक रिफ्रेशमेंट मिल जाएगी, और उसके बाद में चलते चलते या बोल कर पढ़ना है आपको। और देखिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जैसे कुछ लोग होते हैं ना उनको रात में बहुत अच्छा लगता है पढ़ना, सो उनके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप रात को क्या करिए, जैसे कुछ खाने का मन हो तो आप चने ले लीजिए, है ना, या फिर अगर आप मान लीजिए मूंगफली ले सकते हैं, ठीक है, तो इससे आपको आराम मिलेगी। दूसरी चीज़ सबसे बढ़िया, च्युइंगम अगर आप यूज़ कर रहे हैं, मतलब वैसे तो एक बैड हैबिट भी मानी गई है कि आप किसी के सामने च्युइंगम खा रहे हैं, बट रात में आपको तो कोई देख नहीं रहा है, ठीक है, और रात में आप आराम से एक च्युइंगम खा लीजिए और आराम से पढ़ते रहिए, तो उससे क्या होगा, आपका जो फेस है ना, फेस की एक्सरसाइज होगी, और जो ब्लड सर्कुलेशन होता है ना माइंड तक, वो भी प्रॉपर होगा, सो उससे आपको नींद नहीं आएगी। इसका यूज़ आप कर सकते हैं। ये था एक छोटी सी जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक तथा शेयर करना ना भूलिएगा, और साथ में आपका ये पीजी पॉइंट जिस नाम से ये आपको दिख रहा है ना, इस नाम से ये एक टेलीग्राम चैनल है, आप यहाँ पर भी जुड़ सकते हैं यदि आपको वीडियो के लिंक फटाफट से चाहिए तो। सो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपने के लिए। सबका ध्यान रखिए, अपना भी ध्यान रखिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर।